के साथ इस पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जनजातीय गणना पर आज पांचवें दिन लगातार सुनवाई की है और इस दौरान हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनजातीय गणना को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और इस मामले पर लगातार आज पांचवें दिन सुनवाई चल रही है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दिया जा रहा है, साथ ही सरकार की ओर से भी इस प्रक्रिया के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। देखना होगा कि अब कोर्ट इस पर क्या निर्णय सुनाती है। उम्मीद की जा रही है कि आज ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तमाम याचिकाकर्ता, चाहे वो विरोधी पक्ष के हों या फिर सरकार की ओर से, उम्मीद की जा रही है कि आज उनके तर्क पूरे हो जाएंगे। जो दलील कोर्ट के समक्ष पेश की जानी है वो दोनों पक्षों का कोर्ट के समक्ष आ जाने के बाद कोर्ट इस विषय पर अपना फैसला सुनाएगी। जातीय गणना के दूसरे चरण के काम इस कोर्ट की प्रक्रिया के कारण प्रभावित हुआ है और सरकार ये उम्मीद कर रही है कि जल्द ही अधूरे काम को पूरा करने का हाई कोर्ट से भी ऑर्डर मिल जाएगा। तो हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी सनी नजर बनाए हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। गणना को लेकर कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है, सरकार उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द कोर्ट का फैसला आए। आज सुनवाई के पांचवें दिन क्या अपडेट है सनी? ये देखिए, दोनों तरफ से जो है अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। हाई कोर्ट में सबसे पहले अगर बात की जाए तो याचिकाकर्ता के वकील ने अपने पक्ष को रखा और वो क्यों चाहते हैं कि जाति जो गणना है बिहार में वो ना हो, आखिर क्या कारण है, किन तथ्यों को लेकर उन्होंने जनहित याचिका फाइल की है। वहीं अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो दलीलें पहले दी गई है, सरकार ने सार्वजनिक मंच पर, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार जिक्र किया है, हो सकता है उससे मिला जुला जो बयान हो, उससे मिली जुली जो बातें हों वो कोर्ट के अंदर रखी जा रही हो, लेकिन दोनों पक्षों के बयान को, दोनों पक्षों के तथ्यों को अब सुनने के बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, लगातार पाँच दिनों से ये मामला चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार अपनी बातों को रख रही है। सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया है कि वो जनगणना नहीं करा रहे हैं, वो सिर्फ गणना करा रहे हैं, आर्थिक और कास्ट बेस सर्वेक्षण कराया जा रहा है बिहार के अंदर। तो जो दलीलें दी गई हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि गोपनीयता का हनन है, उसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी राज्य सरकार को इतनी शक्ति नहीं है कि वो जनगणना करा सके, केंद्र सरकार ही सिर्फ जनगणना करा सकती है। कई मामलों को लेकर जो है मामला फंसा हुआ है और ऐसे में पांचवें दिन भी लगातार बहस चल रही है। चलिए सनी, तो इस पर नजर बनाए रखें, कोर्ट का क्या निर्णय आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दर्शकों को